शिवरंजनी तिवारी की खुल गई पोल। हम आपको इस वीडियो में एक ऑडियो, एक कॉल रिकॉर्ड सुनाने वाले हैं। इसके बाद शिवरंजनी और उनकी फैमिली का पूरा षड्यंत्र आपके सामने होगा, आपकी आंखों के सामने होगा। लेकिन आपको अपनी आंखें और कान दोनों खोलकर इस वीडियो का एक एक शब्द, एक एक जो पार्ट है वो सुनना है। तो सुनिए जरा, शिवरंजनी और उनकी फैमिली की पोल अब खुलने वाली है। परत दर परत हम एक एक सबूत आपके सामने पेश करेंगे इस वीडियो में और आपको दिखाएंगे कि कैसे शिवरंजनी एक्सपोज हो गई हैं। बस आपको चीजों को कनेक्ट करना है। यह देखिए, शिवरंजनी तिवारी जहां पर छतरपुर में जिसके घर पर रुकी थी, वहां से वह गढ़ा धाम के लिए यानी बागेश्वर धाम के लिए 4:41 पर, शाम 4:41 पर वहां से चलती हैं। ये वीडियो हमारी टीम ने शूट किया है, टाइमिंग भी आ रही है, आप खुद देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। ठीक इसी जगह से 4:41 पर हमारी टीम ने शिवरंजनी का पीछा करना शुरू किया था। कभी शिवरंजनी आगे हो जाती, कभी हमारी टीम पीछे होती, कभी शिवरंजनी आगे होती। ये खेल चल रहा था और एक तरफ शाम हो रही थी, सूरज ढलने वाला था। कहानी में ट्विस्ट सूरज ढलने के बाद ही आता है। जैसे जैसे रात हो रही थी, सूरज ढलने वाला था, हमने शिवरंजनी को आखिरी बार शाम 7:02 पर, स्कॉर्पियो पीछे चल रही थी, शिवरंजनी पैदल चल रही थी, एक अंडर बाईपास के नीचे हमने स्पॉट किया। ये टाइमिंग भी अपने मोबाइल स्क्रीन पर आप देख रहे थे। यहाँ से गढ़ा धाम की दूरी यानी बागेश्वर धाम की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है और शाम के 7:02 पर हमने आखिरी बार उनको पैदल चलते देखा। अब समझिए पूरे फैक्ट्स और पूरे सबूत। छतरपुर से शिवरंजनी निकलती हैं शाम 4:41 पर और 9:30 पर, रात 9:30 पर वह पैदल चलकर गढ़ाधाम पहुंच जाती हैं और जल भी चढ़ा लेती हैं। आखिर यह कैसे संभव है कि 4.5 घंटे में 33 किलोमीटर की दूरी शिवरंजनी पैदल चल लेती हैं? खैर ये पता नहीं था कि फौज की दौड़ थी या फिर यात्रा या फिर स्कॉर्पियो की सवारी। अब आगे सुनिए, शिवरंजनी के जिस नंबर से मीडिया कर्मी रोज बात करते थे उनका पक्ष जानने के लिए, आज जब सुबह हमने उनको कॉल किया तो क्या सुना हमने, आप अपने कानों से सुनिएगा। हेलो, हाँ जी बोलिए। मैम नमस्ते। शिवरंजनी जी बोल रही हैं आप? नहीं, ये कंपनी का नंबर है। यही नंबर है आपका, इसी से बात होती थी पहले? आपको आपसे याद करनी है आपको? शिवरंजनी जी से, शिवरंजनी तिवारी जी। नंबर उन्हीं का है लेकिन ये मार्केट में दर्दनाशक तेल जो फैक्ट्री उसका नंबर है ये। नहीं, कल तक तो उनके पिताजी से या उनके भाई से बात होती थी और आज आप कह रहे हो कि कंपनी का नंबर है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? आगरा से। कंपनी को कॉल डाइवर्ट की गई है ये। कंपनी को कब से हुआ मैम ये? कल से ही हुआ है, कल शाम से। कल शाम से हुआ है। वही है कि उनका वीडियो वायरल हो रहा है कि कल फिर से वो स्कॉर्पियो में बैठ के और उन्होंने। तो सुना आपने, यह अब नंबर कंपनी का हो चुका है, मार्केंडे तेल कंपनी का हो चुका है, ये साफ कहना है। जिस महिला ने ये फोन उठाया था अब वो कह रही है मार्केंडे तेल का ही नंबर है, यानी कि उन्हीं के कंपनी का नंबर है। तो यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं कि जब शिवरंजनी और उनके फादर कह चुके हैं कि ये तेल, हमारा जो तेल है ये ओपन मार्केट में हम इसकी ब्रांडिंग नहीं करते हैं, ओपन मार्केटिंग में इसको, ओपन मार्केट में हम इसको नहीं बेचते हैं, तो आखिर ये कल के बाद जब शिवरंजनी ट्रोल होने लगी, शिवरंजनी का वीडियो फिर से वायरल होने लगा, तो फिर ये एक कंपनी बन जाती है। और कल ही शिवरंजनी और उनके फादर ने साफ कहा कि हमारा जो तेल है यानी मार्केंडे तेल है, हम असहाय गरीब और वृद्धाश्रम में वितरित करते हैं। तो लेकिन फिर इसका ये नंबर कैसे बन गया, कंपनी कैसे बन गई, यह भी एक सवाल है। आखिर कौन रच रहा था बागेश्वर धाम के लिए षड्यंत्र, ऐसा पूछ रहे हैं हम बागेश्वर धाम के भक्त। शिवरंजनी की यात्रा पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और यह बताइएगा क्या यह पूरी जो यात्रा थी, पदयात्रा थी, कहीं इस तरीके से तेल की ब्रांडिंग करने के लिए तो नहीं की गई, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या राय है आपकी शिवरंजनी के बारे में, वह भी जरूर लिखकर बताइएगा।